हे पॉके आर्मियन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर टूपर हिंदी। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं जोटो सीजन के बेस्ट स्टार्टर पॉकीमोन के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो लोग गाइस, मैं आज आप सबके लिए लाया हूं बेस्ट जोटो स्टार्टर पॉकीमोन। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी कैंटो स्टार्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज हम जो बेस्ट स्टार्टर पॉकेमॉन चूज करेंगे वो हम पॉकेमॉन्स के गेम को ध्यान में रखते हुए चूज करेंगे, पॉकेमॉन एनिमी को नहीं। तो चलिए अब मेन वीडियो की बात करते हैं। तो पॉकेमॉन गेम्स जैसे हार्ट गोल्ड एंड सिल्वर, तो वहाँ स्टार्टर पॉकेमॉन होते हैं चिकोरिटा ग्रास टाइप पॉकेमॉन, टोटोडाइल वाटर टाइप पॉकेमॉन एंड सिंडरक्विल फायर टाइप पॉकेमॉन। अब स्टार्टर पॉकेमॉन को चूज करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है और बहुत जरूरी काम भी है, क्योंकि हमारी आगे की जर्नी स्टार्टर पॉकेमॉन पर ही डिपेंड करती है और इन्हीं पॉकेमॉन्स पर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ एडवांटेज मिलेगा और कहाँ डिसएडवांटेज मिलेगा। तो चलिए हम पहले सबसे पहले जोटो रीजन की जिम की बात करते हैं। तो जोटो रीजन में जिम है फ्लाइंग, बग, नॉर्मल, होस्ट, फाइटिंग, स्टील, आइस एंड ड्रैगन। और वहाँ पर एलाइड फोर मेंबर्स साइकिक, पॉइजन, फाइटिंग, डार्क एंड ड्रैगन टाइप पॉकेमॉन यूज करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं चिकोरिटा की। सबसे पहले हमारे पास फैग्नर का फ्लाइंग टाइप जिम आता है, जहाँ फ्लैगनर के फ्लाइंग टाइप पॉकेमॉन इजिली चिकोरिटा को डिफीट कर देंगे। और आगे चलकर बक्सी का बग टाइप जिम आता है, जहाँ बक्सी का साइथर इजिली चिकोरिटा को डिफीट कर देगा। एंड थर्ड नंबर पे जिम आता है विट्सनी का, जो कि नॉर्मल टाइप पॉकेमॉन यूज करती है। अगर हमारा चिकोरिटा बेलीफ में इवॉल्व भी हो जाता है तब भी वहाँ बेलीफ को डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि बक्सी के पास मिल टैंक है जिसका स्पेशल अटैक है रोल आउट, और उस रोल आउट अटैक को बेली इजिली एनकाउंटर नहीं कर पाएगी और वो वहाँ भी डिफीट हो जाएगी। आगे चलकर हमारे पास घोष, फाइटिंग, स्टील, आइस एंड ड्रैगन टाइप पॉकेमॉन जिम आते हैं, जहाँ पर बेली का जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इससे अच्छा हम चिकोरिटा को चूज ना करके हम वाइल्ड से और भी ग्रास टाइप पॉकेमॉन चूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए बैकअप का काम करेगी अगर हम कोई और स्टार्टर पॉकेमॉन चूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं वॉटर टाइप पॉकेमॉन टोटोडाइल की। तो टोटोडाइल एक बैलेंस पॉकेमॉन है, ना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही वो ज़्यादा वीक है, वो एक बैलेंस पॉकेमॉन है। उसे फ्लाइंग, बग एंड नॉर्मल टाइप पॉकेमॉन जिम्स में एडवांटेज मिलेगा, और वो घोस्ट, फाइटिंग एंड स्टील टाइप पॉकेमॉन जिम्स में बैलेंस परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन उसे आइस एंड ड्रैगन टाइप पॉकेमॉन जिम से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, अगर वो इवॉल्व भी हो जाता है तब भी उसे डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप पॉकेमॉन गेम्स में टोटोडाइल को चूज करते हो तो वो आपके लिए बैलेंस रहेगा लेकिन बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बेस्ट स्टार्टर पॉकेमॉन को चूज करने वाले हैं। तो अगर हम टोटोडाइल को चूज नहीं करते तो इसके बदले आप लैप्रस या ड्यूगोंग जैसे पॉकेमॉन्स को पकड़ सकते हो, जो आपको लास्ट पॉकेमॉन जिम ड्रैगन एंड आइस टाइप पॉकेमॉन को के सामने रेजिस्ट या कम से कम उनको एनकाउंटर कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटोडाइल एक बैलेंस पॉकेमॉन है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं सिंडिक्विल की। ऑल जिम्स को जज करने के बाद सिंडिक्विल को बस लास्ट दो जिम में प्रॉब्लम आएगी, आइस एंड ड्रैगन टाइप जिम, और बाकी जिम्स में सिंडिक्विल बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। बस विटनी के मिल टैंक के रोल आउट अटैक से उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और लास्ट दो जिम तक पहुंचने तक हमारा सिंडिक्विल टाइफ्लोसन में इवॉल्व हो सकता है, और वो फायर टाइप के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव जैसे फ्लेम व्हील, फ्लेम चार्ज, लावा पंप, फ्लेम थ्रोअर एंड बर्न अप जैसे मूव्स यूज कर सकता है। और हम बाकी के पांच पॉकेमॉन ऐसे पकड़ सकते हैं जो आइस एंड ड्रैगन टाइप पॉकेमॉन के आगे स्ट्रॉन्ग हो, जैसे हम गैराडॉस को पकड़ सकते हैं क्योंकि वो ड्रैगन टाइप मूव भी यूज कर सकता है, और उससे हमें ड्रैगन टाइप जिम एंड आइस टाइप जिम में एडवांटेज का काम मिल सकता है। तो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारी इस लिस्ट में सिंडिक्विल बेस्ट स्टार्टर पॉकेमॉन है, लेकिन ये मेरे खुद का सोचना है। हो सकता है आपका फेवरेट स्टार्टर पॉकेमॉन सिंडिक्विल ना हो या आपको सिंडिक्विल बेस्ट स्टार्टर पॉकेमॉन ना लगे, लेकिन ये मेरी चॉइस थी। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड बाकी की आप मेरी पॉकेमॉन की वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट की हेल्प से देख सकते हो। तो गाइस, तब तक के लिए मेरी बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।